फुटेज देख रहे हैं जैनब बीबी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, इनके हस्बैंड भी टॉलेस्ट, जैनब खुद की भी टॉलेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती हैं। ये ईरान गए थे, ईरान में इनको स्पेशली बुलाया गया था और दुनिया के सबसे छोटे आदमी से इनकी मुलाकात वहाँ कराई गई थी। ये देखें, जैनब के इस वक्त हस्बैंड ने उनको गोद में भी लिया हुआ है। और फिर ये जैनब जो हैं ये लंदन में रह गई, और रीज़न पता नहीं क्या है, लेकिन मेन जो नज़र आती है, दिखती है, जो किताबों में कहा गया है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो ये कि जी यहाँ चूँकि जैनब वॉज एक्चुअली उसको यहाँ टारगेट किया जा रहा था घर पर, तो इसलिए जैनब ने पाकिस्तान छोड़ के वहीं रिहाइश अख्तियार कर ली और वहीं रहना शुरू कर दिया। तो आज इन दोनों को बुलाने का मकसद यही था, एक तो कि हमें हमारे जो हीरोज़ हैं, ये हमारे जब हम इतनी पाकिस्तान के लिए गलत इस तरह की बातें करते हैं क्लाशन को फॉर टेररिज्म और ये और वो, तो ये चीज़ें ना सॉफ्टर इमेज भी लाती हैं और एकदम से पूरी दुनिया की नज़रें हम पर आएंगी। तो आई डोंट थिंक कि अपनी मार्केटिंग इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज से पाकिस्तान कभी कर सकता है, और ये लोग हैं जो हमारे एम्बेसडर हो सकते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान के यंगस्ट टॉलेस्ट मैन हक नवाज, जिनका खैरपुर से ताल्लुक है, खैरपुर से ताल्लुक है, और वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट एंड पाकिस्तान टॉलेस्ट मैन इस वक्त मौजूद हैं सोमरो साहब, और इन दोनों से बातचीत करेंगे। लेकिन सोमरो साहब वेलकम भी करेंगे आप दोनों को, पहले हमारे जल्दी जल्दी में वो नहीं हुआ। शुक्रिया आपका। अच्छा सोमरो साहब, ये बताएं, ये आपके बराबर में बैठे हैं, 24 साल इनकी उम्र है, हक नवाज की ग्रोथ हो रही है। जब मैं पहली दफ़ा हक नवाज से मिली थी, आपको पता है इनका 150 किलो वेट था, आज हक नवाज का वेट 86 kg रह गया है। रीज़न पैसा नहीं, वो खाना, इनको खाना जो डाइट बताई हुई है डॉक्टर्स ने, सोमरो साहब कहते हैं इनको डॉक्टर ने कहा है कि जी 5 किलो दूध रोज़ाना, 2 किलो सेब, 2 दर्जन केले, 2 दर्जन अंडे, 2 किलो गोश्त और 40 रोटियां खानी हैं। मगर चूंकि हक नवाज के बहन भाई हैं, गांव में रहते हैं, और अम्मा जो हैं, इनके अब्बा की डेथ हो चुकी है, अम्मा जो हैं वो लोगों के घरों में सिपारे पढ़ाती हैं जाके, तो इतना पैसा नहीं है कि डाइट अफोर्ड कर सके। इसीलिए आप सोचें 150 से सिर्फ 86 kg रह गया, तो कितना इसमें वो आया। और अभी कह रहा था, मैंने कहा अभी तो तुम्हें और बढ़ना है, तो कहता नहीं मेरी हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं, दर्द हो रहे हैं मुझे। इसमें दरअसल बात ये होती है कि डॉक्टर ने इसको खुराक बताई है, बिल्कुल वो गलत बताई है। अच्छा, क्योंकि मेरे डॉक्टर कहते हैं कि आप खुराक को इतना खाओ जो नॉर्मल, अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो 1.5 खाओ रोटी। अच्छा, ताकि आप फिट रहोगे इससे, ठीक है ना, और वजन ज्यादा नहीं बढ़ाओ। वजन बढ़ने से घुटने में, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बिल्कुल आपने, और एक्सरसाइज करते रहे। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अपनी फिटनेस के लिए ज़रूर करें, मगर एक तो होता है कि फिट रहना, एक ये होता है कि चूंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है या वो चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी एक वो बीमारी की शक्ल में नजर आता है, या जेन पे भी प्रेशर देती है कि गुर्बत भी पीछे है और बहुत से मसाइल भी हैं, और एक आम आदमी की अलग मसाइल हो जाते हैं, गुर्बत अपनी जगह पे रही मगर आम आदमी के लिए अलग रहते हैं, लंबे आदमी के लिए और बड़े मसाइल बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, इसमें करना चाहिए। अच्छा मैं यहाँ ये बताऊँ कि चूँकि हक नवाज बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते, सुमरो सब तो बोल रहे हैं, हक नवाज ज़रा बहुत वोकल नहीं है तो थोड़ा शर्माते भी हैं, मज़ेदार बात है। अच्छा आप लोगों के जूतों का साइज क्या है सुमरो साहब? मेरा 19 नंबर है। 19 नंबर? बिल्कुल। वो ऑर्डर पे तैयार होते हैं? बिल्कुल ऑर्डर पे तैयार होते हैं। अच्छा, और आपका 14 नंबर है? जी मेरे 14 नंबर है। 14 नंबर है, और आपके भी ऑर्डर पे तैयार होते हैं? जी जी बिल्कुल। नहीं ये वो वाले जूते हैं ना जो जूते की दुकान के बाहर इतना बड़ा जूता टंगा होता है, जूते की दुकान है वो वाला जूता आता होगा, जिसको गिफ्ट उसको फिट। हाँ नहीं, जिसको फिट उसको गिफ्ट। हाँ जिसको फिट उसको गिफ्ट, सही बात है। अच्छा, और हक नवाज जैसे आपसे बड़े वादे किए गए, फिर पूछा नहीं गया आपको, प्राइम आपने लिखा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी, गवर्नर्स को भी, ऑपोजिशन हर बंदे से जाके मिलिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ जी, इनको एक आम आदमी ने, खालिद शाह साहब, मैं इस वक्त ज़रूर नाम लेना चाहूँगी उनको, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, इनको एक मोटरसाइकिल लेके दी, जो अपने गाँव की गलियों में जो है हक नवाज घुमाते फिरते रहते हैं,
और अतनवास की शदीद ख्वाहिश थी कि मेरे शहर में एक स्कूल बने। ये इसने मुझे बताया। हाँ। ये इस चीज से मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि इनके गांव में स्कूल तक नहीं है। स्कूल नहीं है तो अगर गांव में स्कूल ना हो तो आप उनके गांव का हशर क्या देखेंगे, क्योंकि तालीम तो लाजमी है। नहीं, लेकिन अब वो स्कूल बन रहा है। खालिद शाह साहब जिन्होंने जो शहर कराची शहर से हैं और जो बेसिकली प्राइवेट चेयरमैन हैं ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के, उन्होंने अब एक स्कूल बनाने की जिम्मेदारी ली और वो बन रहा है स्कूल। हकनवास जी बिल्कुल बन रहा है। एमी सिर्फ ईंटें शीटें रखी हुई है? नहीं, वो छतों तक पहुंच चुका है। अच्छा, माशाल्लाह छत डाल देगा। अच्छा अच्छा, मुझे इतना कि ट्रांसपोर्ट का आपको मसला है, ये आप लोगों को तो आप टैक्सी में तो बैठ ही नहीं सकते होंगे। बिल्कुल, ये हकीकत है, प्रॉब्लम होती है हर जगह, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं। हाँ। और भी मसाले, मिसाल के तौर पे किसी नई जगह पे जाना होता है, पंखे का देखना, दीवार का देखना और बहुत से मसाले। अच्छा। और ट्रांसपोर्ट तो ये है, बसों पे हम सफर नहीं कर सकते, बसों पे आप नहीं सफर कर सकते, रक्षा में तो सवाल ही नहीं पैदा होता और टैक्सी में भी नहीं, तो आपकी तो गाड़ी या फिर क्या होता है? गाड़ी थोड़ा सेटअप करवाए गाड़ी का, उन्होंने सेट अप कराया, मैं वो पिछले वाला उन्होंने गेट खोल के यूं यूं बैठ जाता हूं। हां, ओहो, तो देखिए मैं इस वक्त लोग देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि मेड टू, कहते हैं ना वो ऑर्डर, मेक टू ऑर्डर वाली चीज। और ये बाहर मुल्कों में कस्टमाइज बनानी चाहिए हमारे ऑटोमोबाइल सारे जितने हमें सुन रही हैं गाड़ियों की कंपनियां। और बाहर मुल्कों में एक इसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, बाहर जैसे देलम चली गई। हां, मैं भी जाता हूँ तो बाहर रिस्पेक्ट होता है बड़ा, और यहाँ नहीं होता, यहाँ कम होता है। यह हकीकत है, अपने मुल्क में सिर्फ हमारे साथ नहीं, बहुत से ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किरदार पड़ेंगे, आप देखते रह जाएंगे कि कैसी चीजें पड़ी हैं। नहीं देखें, लेकिन कभी कभी मीडिया की तरफ से पॉजिटिव और हमेशा मीडिया की कोशिश ये रहती है। इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि आज के प्रोग्राम के बाद कुछ ना कुछ बेहतरी, बहुत कोई बड़ा क्लेम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी जरूर आनी चाहिए, और अगर नहीं आई तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है। आप भी एहतजाज में साथ देंगी? हैं, बिल्कुल मैं साथ दूंगी भाई, मैं आपको बुलाना जो है वो एक तरह का इसी तरह की कोशिश है। हकनवास जब टारगेट बनते हैं घर पर गाँव में, ये जब खड़ा होता है ना अपने सहन में, मैंने बता रहा था मैं खड़ा होता तो दूसरों के घरों में झांक सकता हूँ, अब जब दूसरों के घरों में छांक सकता है तो हकनवास की होती है पीछे से पिटाई। अब्बा कहते हैं ओए मेरी कुड़ी को देखने के लिए झांक रहे हैं, तो हकनवास के लिए ये भी बड़ी मुश्किल हो गई है। जी जी बिल्कुल है जी। तो हकनवास फिर क्या करते हो, तुम खड़े नहीं होते? नहीं खड़े होते, काम होते हैं। अच्छा जी, तो कभी सोचा हकनवास आपकी शादी भी सोमरों से? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं हुई। तो आपने कोई लंबी सी लड़की तलाश करनी है? नहीं, ये कोई लाजमी नहीं कि लंबी लड़की हो, या क्योंकि लंबी के लिए भी वो भी प्रॉब्लम से। हाँ, ज़ैनब को तो मिल गया था ना, ज़ैनब के साथ जिनकी शादी हुई थी हमने देखा। नहीं नहीं, ये इनके शौहर नहीं है। इनके शौहर ही हैं? नहीं नहीं, वो तो, और ये जो आप फुटेज दिखाए ये ईरान के नहीं है, ये है ईरान जॉर्डन के। अच्छा, जॉर्डन गए होंगे। ओके, तो इनको बुलाया गया था वहाँ? जी बिल्कुल राइट। तो बताएं आप चाहते हैं कोई लंबी लड़की हो कि सही? मसला क्या होते हैं आपकी, क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं की अब तक शादी? लड़की मिली नहीं, कोई तैयार नहीं हो अपनी लड़की के देने? नहीं नहीं, ये दरअसल बात नहीं है, दरअसल और भी मसाले होते हैं अब, क्योंकि मेरे ना वालिद है ना वालदा है। हाँ। तो सारा घर का देखना हर चीज का ये मुझे मेरे ऊपर है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए मेरे अपने मसाले। क्या ख्याल है यार, अगर वैसे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इन लोगों के लिए लड़कियाँ तलाश करे, ओए ब्राइट आइडिया है। क्या कह रहे हो हकनवास, तुम्हारे मुंह पे इतनी मुस्कुराहट आई है ना, पहले किसी बात पे नहीं आई ऐसी मुस्कुराहट। हकनवास दिल चाहते हैं शादी करने का बहुत? बिल्कुल शादी करेंगे। हाँ। अगर मैं तो आता मेरी जड़ी लंबी लग जाए, मेरे साले चौड़ा कैम हो जाएगा। हाँ, मेरी जड़ी लंबी लग जाए। जी जी है, तो अब लंबी लग कैसे जाएगी भाई? लंबे लड़कियों के वालिदैन जो है, हम रिश्ते करा रहे हैं, अब हम रिश्ते कराने शुरू हो गए हैं, तो हकनवास के लिए रब्ता।